मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, केवल आप ही मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म की पीड़ा सहन करनी पड़ती है? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है, प्रभु, एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देव शर्मा की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, ये देव शर्मा कौन थे? उनका आचार विचार कैसा था? मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। देव शर्मा को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म कार्य में तत्पर रहता था। सभी वर्गों के लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। वे प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। वे पशु, पुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। देव शर्मा की पत्नी का नाम भगना था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन देव शर्मा ने अपने घर पर सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। नगर में निवास के लिए निकल जाते हैं। देवताओं और दानों के बीच भीषण करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। देव शर्मा ने सभी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और उनका आदर सत्कार किया। फिर उसने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाकर मिष्टान्न भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण देव शर्मा को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार, बंधु बांधव तथा अनेक दीन और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने घर के द्वार के सामने खड़ा रहा, तब उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुतिया और बैल बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुतिया और बैल की पूरी बात सुनी तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुतिया और बैल उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप के कारण उस जन्म में कुतिया और बैल बन गए थे। तब वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता ही हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को प्राणियों का शरीर प्राप्त हुआ? अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं? इस प्रकार विचार करते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। इसलिए सुबह होते हुए देव शर्मा स्नान आदि कार्य संपन्न करके मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुँच गया। आश्रम पर आते ही मुनि वशिष्ठ जी ने देव शर्मा का स्वागत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आगमन हुआ है? आप दुखी दिखाई पड़ते हो, आपके दुख का क्या कारण है, बताओ। देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, आपको प्रणाम है, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हुआ है। हे मुनीश्वर, आज मैं आपके पास एक क्षमता लेकर आया हूँ, कृपया आप ही मुझे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं, मैं अत्यंत दुखी और दुर्बल हो गया हूँ। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख ना करो, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर देव शर्मा कहता है, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन कराया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गया, दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले कुतिया उस बैल से इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना घटी उसे सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता हो गई।
उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध को पी लेते तो उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने उस बर्तन में से सारा सारा दूध पी लिया। जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे खूब पीटा, जिससे मेरा अंग भंग हो गया। खून बहुत पीला हो रही है, इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ। मुझे ये पीला सहन नहीं हो रही है। कुतिया की बात सुनकर वह बैल बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा। हे प्रिय, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने घास तक नहीं डाली और न ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। फिर देव शर्मा कहने लगा। इस प्रकार से अपने माता पिता को कुतिया और बैल के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है, हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से आज मैं आपके पास आया हूँ। प्रिया, आप अपनी योग शक्ति से पता करके मुझे बताएं किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर गुरु वशिष्ठ ध्यान लगाते हैं और उस ब्राह्मण के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं और देव शर्मा से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है, उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। देव शर्मा कहता है, हे गुरुदेव, इस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है, कृपया विस्तार से बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुम ध्यान से सुनो। ये बैल जो तुम्हारे पिता है, ये पिछले जन्म में कुंडी नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण बने हैं। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इसने दान धर्म भी नहीं किया। इसने द्वार पर आए गायों को कभी भोजन नहीं किया लाया। इसने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधिपूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इसे इस जन्म में बैल का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा की और तुलसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते हुए भी इसने भगवान को भोग लगाया, इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श न करें। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला के साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजस्वला के वस्त्रों को स्पर्श करता है, उसे भी पाप लगता है। रजस्वला स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और 4th दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। 4th दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म प्राप्त हुआ है। देव शर्मा कहता है, हे मुनीश्वर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताएं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध तथा तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर ब्राह्मण वही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, ये देवी, मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सत्ययुग में एक काल के नाम से प्रसिद्ध दानव हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वे हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानवासुर के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिसका देवता सामना ना कर सके और भागकर ब्राह्मण के पास चले गए। फिर ब्रह्मदेवन ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ, वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और उन्हें प्रार्थना करके अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं। उन्हीं में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवतागण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध के लिए एकत्रित हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं।
अग्निदेव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को दग्ध करने लगते हैं। अग्नि के प्रभाव से दैत्यों का अंग अंग जलने लगता है। फिर वरुण देव की वर्षा से दैत्यों को डुबो देते हैं, जिससे दैत्य त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वज्रासुर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है और फिर देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वज्रासुर को मार डालते हैं। उस दान वज्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्मात्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्मात्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्मात्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्महत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्महत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्महत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्महत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्महत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मदेव ने ब्रह्महत्या के चार भाग किए और कहा, हे ब्रह्महत्या, तुम्हारा एक चौथाई भाग अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा एक चौथाई भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा मलमूत्र का त्याग करेगा, तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा एक चौथाई भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्महत्या का एक चौथाई भाग तुम ग्रहण करो। अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष रजस्वल स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसके अंदर यह ब्रह्महत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्महत्या के चार भाग हुए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्महत्या के भाग्य के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनके साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए आदि के विषय में बता दिया है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूंगी। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।